हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे हमारे जो हमारा थर्ड डिपार्टमेंट जो अभी बचा हुआ है, जो कि है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट, जो कि अगर सही मायनों में कहा जाए तो हर फार्मेसी स्टूडेंट अगर जो भी अपना करियर इंडस्ट्री में बनाना चाहता है वो क्यूए डिपार्टमेंट में ही अपना करियर बनाना चाहता है कि वो क्वालिटी अश्योरेंस में जा सके। तो आज हम इसी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इस डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको किस टाइप के इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप क्यूए के लिए इंटरव्यू में फेस करने की अगर सोच रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए क्यूए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, क्यूए एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। बेसिकली यहाँ पर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन किन चीजों का किया जाता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट में होने वाली जो भी प्रोसेस है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा हो या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो रहा हो, जो भी प्रोसेसेस वहां पर हो रही हैं, जो भी टेस्ट प्रोसीजर हो रहे हैं, उन सभी प्रोसीजर्स के जो भी रिजल्ट्स हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में होता है। मतलब वहां पर वो एक तरह का क्वालिटी अश्योरेंस का काम यही होता है कि वो इन दोनों डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्वालिटी अश्योरेंस। मतलब ये एक अश्योरेंस देता है इन दोनों डिपार्टमेंट्स को। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो सुपरविजन है या जो कंट्रोल है वो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में होता है। इसीलिए ये डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो सबसे सुपीरियर डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो पर्सन होते हैं बेसिकली वो इन लोगों के अंडर में ही, मतलब क्यूए डिपार्टमेंट के अंडर में ही काम करते हैं। अब बात की जाए कि यहां पर अगर आप इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को ही कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन काम करेगा उसको इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोडक्शन और क्यूसी दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्यूए में होते हैं। मतलब आप क्यूए का अगर इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपसे प्रोडक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अगर आपको, क्योंकि ये दोनों टाइप से काम कर रहा है तो वो उस पर्सन के ऊपर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर वो पर्सन प्रोडक्शन से रिलेटेड क्यूए डिपार्टमेंट के बारे में जॉब सर्च कर रहा है, मतलब जो जॉब उसके पास है वो क्यूए की तो है बट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा बेसिकली उसमें अधिकतर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस टाइप की प्रोसेसेस होती है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपके और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर जो इंटरव्यू पर्सन आपका, जो भी आपका पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्यूए में जॉब सर्च देख रहा है कि वो आपको क्वालिटी क्यूए डिपार्टमेंट में लेना चाहता है बट वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए लेना चाहता है क्वालिटी, तो वो क्यूसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्यूसी से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देखकर आप ये देख सकते हैं कि क्यूसी में अगर आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दोनों वीडियो, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्यूसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन दोनों वीडियोस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उनको देख के आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो फ्रेशर पर्सन होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्यूसी डिपार्टमेंट में जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात चल रही है अभी क्यूए की, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको क्यूए का इंटरव्यू फेस करना है तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, वहां पर जो भी अश्योरेंस होता है, जैसे मैं एक क्यूए का एक डिपार्टमेंट बताता हूं, इन प्रोसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये क्यूए का डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन के अंदर होने वाली जितनी भी प्रोसेस है उनको वॉच करता है, उनको कंट्रोल करता है और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन काम करेगा उसके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन में क्या क्या फेजेस होती हैं, मतलब वहां पर कंप्रेशन होता है, मिक्सिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, सीविंग होती है, पैकेजिंग होती है, टेबलेट के टेस्ट क्या क्या होते हैं, इन सब का नॉलेज उस पर्सन को होना चाहिए, तभी वो इन प्रोसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर सकेगा और क्यूए के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। उसी प्रकार अगर आप बात करें क्यूसी के अंदर, तो उधर वैलिडेशन डिपार्टमेंट होता है जो क्यूए के अंदर होता है,
जीएलपी डिपार्टमेंट होता है जो क्यूए के अंदर होता है, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो होते हैं ये क्यूसी से रिलेट करते हैं, तो इनके पास पूरा क्यूसी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब क्यूसी के टेस्ट प्रोसीजर्स का, सारे वैलिडेशंस का, वैलिडेशन क्या होता है, किस टाइप से होता है, प्रोसीजर क्या होते हैं। अगर आप बात करें कि क्यूए डिपार्टमेंट कुछ और भी काम करता है, जैसे जितने भी कैलिब्रेशन प्रोसीजर होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन जारी करना, तो आपको कैलिब्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर अगर देखा जाए, अगर किसी डिपार्टमेंट में या इंडस्ट्री के अंदर कोई नई लैब बनी है, तो उस लैब के बारे में सारी एसओपी बनाना, उनके बारे में जो भी नए प्रोडक्ट्स उधर जितने भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट जो हो रहे हैं इंस्टॉल हो रहे हैं उनका कैलिब्रेशन, तो ये सारा नॉलेज भी क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पर्सन काम करना चाहता है उसके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, जो कुछ जो गाइडलाइंस होती है, क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट पूरा गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो क्यूए पर्सन को सीजीएमपी, जीएमपी, जीएलपी, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, उसके अलावा यूएसएफडीए, डब्ल्यूएचओ, आईसीएच गाइडलाइन, इन सभी गाइडलाइंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो क्यूए डिपार्टमेंट में, जैसे कि अगर आप मैं एक बात करूं, तो अभी बेसिकली क्यूए डिपार्टमेंट में अधिकतर कौन से पर्सन काम कर रहे हैं? देखिए, क्यूए डिपार्टमेंट में एक तो वैकेंसीज काफी कम निकलती हैं। उसका रीजन यही होता है कि क्यूए डिपार्टमेंट एक स्टेबल डिपार्टमेंट होता है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जॉब को छोड़ते हैं या स्विच करते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर हम क्यूए डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट देखें, या वहां पर जिन लोगों को पोस्ट दी जाती है वो अधिकतर या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही होते हैं या क्यूसी डिपार्टमेंट से होते हैं। प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट के ही पर्सन को अधिकतर क्यूए के अंदर जॉब दी जाती है या उनका प्रमोशन करके उनको क्यूए डिपार्टमेंट में लाया जाता है। तो एक चांसेस तो ये होगा कि क्यूए के अंदर वैकेंसीज काफी कम होती है। दूसरी चीज ये कि क्यूए के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर सैलरी भी काफी कम होती है। रीजन ये है क्योंकि ये जो एक ऐसी जॉब है जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन जॉब है, यहां पर आपको किसी चैलेंजेस को फेस नहीं करना है। ज्यादातर चैलेंजेस जो होते हैं वो क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट जो है वो कह सकते हैं कि वो फ्रंट में आके फाइट नहीं कर रहा है, वो पीछे से फाइट कर रहा है। उसके अलावा ये जो जॉब है बेसिकली ये इसमें जो शिफ्ट का भी कोई काम नहीं है, 9 to 5 जॉब होती है, इसलिए हर पर्सन जो होता है वो क्यूए में जॉब करना चाहता है। और यही रीजन है कि इंडस्ट्रीज भी इस बात को समझते हुए क्यूए के अंदर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी कम रखती है। मतलब क्यूए में जो सैलरी की ग्रोथ होती है, जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, वो क्यूसी और प्रोडक्शन के मुकाबले में काफी कम होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि हर पर्सन जो है वो क्यूए में आना चाहता है और यहां पर किसी टाइप के चैलेंजेस नहीं है। इस वजह से इंडस्ट्रीज भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है वो क्यूसी और प्रोडक्शन में काम करें, इसलिए ये रीजन है कि क्यूए में सैलरी थोड़ी सी कम होती है और ग्रोथ के चांसेस भी काफी कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है इस वजह से। बट अगर हम बात करें कि क्यूए के अंदर भी क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो हाँ बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि क्यूए के अंदर पर्सन के जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन के अंदर हो। प्रोडक्शन में जो लाइन क्लियरेंस होता है कि अगर एक ड्रग पूरी बन के तैयार हो गई है, तो जब दूसरी ड्रग बनने के लिए तैयार होती है तो लाइन क्लियरेंस एक प्रोसीजर होती है, जब उसमें वो लाइन क्लियरेंस देता है कि हाँ अब आपका जो पूरी कह सकते हैं जो पूरी यूनिट है वो पूरी क्लीन हो चुकी है और अब वो दूसरी ड्रग को बनाने के लिए तैयार है, ये लाइन क्लियरेंस जो होता है वो क्यूए डिपार्टमेंट के पर्सन देते हैं। तो यहां पर उनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जहां पे भी साइन हो रहे हैं बेसिकली वो लास्ट साइन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका काम इवेल्युएशन का होता है, वो हर चीज को चेक करते हैं। तो अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और सीधी बात है जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी चीज को चेक कैसे कर सकते हैं? फिर तो कोई भी सामने वाला पर्सन आपको बेवकूफ बना सकता है। तो इवेल्युएशन करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है, और अगर वो इवेल्युएशन करके साइन कर देते हैं और उसके बाद अगर कोई गलती पकड़ में आती है, क्योंकि उनका खुद का काम प्रोडक्शन और क्यूसी में जो भी चल रहा है उसकी गलती पकड़ना है, और अगर वही गलती कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वहां पर किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, अगर क्यूए पर्सन ही गलती कर रहा है तो सीधी सी बात है उसको जॉब से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं है। इसीलिए क्यूए के अंदर अधिकतर एक्सपीरियंस पर्सन को ही रखा जाता है जो क्यूसी या प्रोडक्शन से ही होते हैं। एक चीज और कि अगर आप यहां पर देखें तो क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर आपको केवल डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसीलिए आजकल क्यूए डिपार्टमेंट में जो पर्सन हैं या जो मैनेजर्स हैं या बड़े लेवल पे लोग जो काम कर रहे हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब मैंने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में देखा है, मतलब मैंने खुद जब मैंने इंडस्ट्रीज में काम किया है तो हमारे यहाँ जो क्यूए डिपार्टमेंट में जो पर्सन काम करते थे उनको जब उनकी बैच खत्म होती थी, मतलब जो 5 बजे उनकी छुट्टी होती थी, तो जो उनके मैनेजर होते थे वो उनसे रजिस्टर पे लिखवाते थे कि आपने पूरे दिन के अंदर क्या काम किया है,
आपका क्या आज का आज कंपनी को आपसे क्या फायदा हुआ है, तो उनको लिख के जाना पड़ता था मैनेजर के सामने रिटर्न में कि आज मैंने ये काम किया है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने चेक करे हैं, मैंने आज इंडस्ट्री में टाइम पास बिल्कुल भी नहीं किया है। क्योंकि बेसिकली यहां पर ये क्योंकि क्यूए के अंदर आप चाहें तो पूरे दिन टाइम पास भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंटेशन है, आज नहीं तो कल हो सकता है। क्यूसी और प्रोडक्शन के अंदर तो ऐसा है नहीं, अगर आप अपना काम कल के लिए छोड़ दोगे तो आज आप क्या काम करोगे। क्यूसी और प्रोडक्शन के अंदर काम विजिबल दिख रहा है कि हाँ यहां पर काम चल रहा है, बट क्यूए के अंदर तो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, तो विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। इसीलिए कई डिपार्टमेंट्स में आपको पहले जब छुट्टी होती है आपकी, जब आप घर के लिए निकलते हैं, तो आपको आपके मैनेजर को ये बात बतानी पड़ती है कि आपने आज का जो आपका प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, मतलब प्रोडक्शन से मतलब है आपका वर्क से कंपनी को क्या फायदा हुआ। इस वजह से क्यूए काफी चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। क्यूए में एक फायदा बहुत अच्छा है कि क्यूए का जो पर्सन होता है वो प्रमोट होकर फिर कॉर्पोरेट में जा सकता है। कॉर्पोरेट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हर किसी भी इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। कॉर्पोरेट, हर आदमी कॉर्पोरेट में काम करना चाहता है। इनका जो हेड ऑफिस होता है, मतलब कॉर्पोरेट जो होता है बेसिकली वो बॉम्बे में होता है, मतलब अधिकतर इंडिया में तो सारी कंपनी के हेड ऑफिस बॉम्बे में है, तो उनके कॉर्पोरेट भी बॉम्बे में होते हैं। और फिर वो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो फिर उस इंडस्ट्री या उस कंपनी के जितने भी प्लांट्स हैं, वो भले इंडिया में हो या विदेशों में हो, फॉरेन में हो, उन सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। उधर जो भी ऑडिट होते हैं उनको जाके वो सुपरवाइज करते हैं, वहां पर चेकिंग करते हैं, मतलब उनके अंडर में सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अब हमें आप सोच सकते हैं कि कॉर्पोरेट में काम करना कितनी बड़ी बात होती है, यहाँ डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही, पूरा का पूरा प्लांट, बॉम्बे प्लांट, दिल्ली प्लांट, इंदौर का प्लांट, अलग अलग प्लांट्स जो उस कंपनी के काम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट में अधिकतर वही पर्सन होते हैं जो क्यूए में काम कर चुके होते हैं, अधिकतर क्यूए के पर्सन को ही कॉर्पोरेट में प्रमोट किया जाता है। तो एक फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो क्यूए डिपार्टमेंट जो है आज हर पर्सन के लिए, कह सकते हैं हर फार्मा में जो पर्सन काम करना चाहता है इंडस्ट्री के अंदर, वो क्यूए में ही काम करना चाहता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से समझाया होगा कि क्यूए में आपको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत कोशिश करता हूं आपके जवाब देने की, और जिनके मैं दे पाता हूं उनके मैं जवाब देता भी हूं, बट अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं तो बेसिकली वो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल जो होता है उस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूं। बट आप वीडियो देखते रहिए और मुझसे कमेंट पूछते रहिए, कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।